बाल बाल बच गया, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें। करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियां खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी, ऐसा सुनने में आया। बाल बाल बच गया, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें। करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियां खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी, ऐसा सुनने में आया। बाल बाल बच गया, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें। Thank you.
बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियां खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। बाल बाल बच गया, एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें।